अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए रेसिपी बन रही है जो कि गोलगप्पे और पानी पूरी, जो भी आप कह लें। तो सबसे पहले उसके लिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे चने लेके रखे हुए थे जिनको मैंने रात को भिगो दिया था। इनको मैंने लिया है 1.5 कप। आप जितने आपको जरूरत है उतने ले लें, ये बहुत ज्यादा है, मुझे इतने नहीं चाहिए। लेकिन सबसे पहले इनको बॉयल करने के लिए रखते हैं। और मैंने 2-3 आलू लिए हैं, इनको बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो ये प्लेन चने हैं जो इसमें जा रहे हैं, और ये ओवरनाइट सोक हैं तो बहुत अच्छी तरह आराम से गल जाएंगे। मैं इसमें 1 टीस्पून जो है सॉल्ट डाल रही हूँ। और इसको अब उबलने देंगे जब तक हम आलू डाइस करते हैं। आप पोटैटोस को पील कर लें। आपने क्या करना है, पोटैटोस को लेना और इनको डाइस करना। तो आप देखें कि इसमें ये जो इस तरह का आएगा वो निकाल लें आप इसे झाग इसका। तो यहाँ मैंने पानी रखा है उबलने के लिए, और उसमें जा रहे हैं आलू जो हमने अभी डाइस किए थे। ये आलू तो गल गए हैं, इनको कर देते हैं ऑफ और इनका पानी निकाल लेंगे। तो साथ ही इसके हम चने भी चेक कर लेते हैं। अभी थोड़े कच्चे हैं, काफ़ी कच्चे हैं उनके, अभी इनको पकने देंगे। चलिए, मेरे पास यहाँ पे साबुत जीरा है 3 टेबलस्पून। ये मैं तवा गर्म हो गया उस पर डाल रही हूँ, और ये आपने लाजमी करना है, इसके बगैर आपका जो पानी है ना वो टेस्ट अच्छा नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं आपके सामने कर रही हूँ, अदरवाइज मैं दिखा सकती थी आपको जीरा भुना हुआ डालने के लिए, तो आपने ये लाजमी करना। अब इसको कर देंगे ऑफ। चले, जीरा इसमें डालेंगे ग्राइंडर में, इसको आपने पाउडर कर लेना। इसे रखते हैं साइड पे। मैंने 3 टेबलस्पून इमली ली थी जिसको मैंने आधे कप में भिगो दिया था। तो इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें इस तरह से, और इसमें गुठलियाँ वगैरह इनको हम बाद में छान लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून गुड़ लिया है और जैगरी लिया है, तो ये इसमें जा रहा है। इसको मिक्स कर लें आप, और मीठा आप अपने हिसाब से, ये खट्टी मीठी चटनी जो वो बन रही है। मैं इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखूंगी ताकि वो जो गुड़ है अच्छी तरह से मेल्ट हो। चलें, गुड़ और जो क्या कहते हैं इमली, उसको हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे ठंडा पानी। अब इसमें जा रही है 1/4 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है, 1/4 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्चें हैं वो जा रही हैं इसमें, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट, बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। और अब इसको छान लेंगे। तो आप ये देखें, ये निकल गया, क्योंकि पानी को आपने क्लियर ही रखना है जब आपने गोलगप्पों में डालना है, तो इस वजह से मैंने ये निकाल लिया। फ्लेवर अच्छी तरह आप निकाल लें। जीरा जो भुना हुआ था हमारे पास, ये 1 टीस्पून इसमें जा रहा है, और इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जो आलू है अभी गर्म ही है, इसमें मैंने 1/2 टीस्पून चाट मसाला डाल दिया, और इसको आप मिक्स कर लें। 2 चीज़ें हमारी रेडी। अब चलते हैं हम चनों को भी देख लें थोड़ा सा। चने मैंने आप लोगों के लिए कुकर, प्रेशर कुकर में नहीं किए ताकि पता चल जाए आपको, ऐसे भी गल जाते हैं चने।
ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा सा और हो जाए। मुझे बहुत गले हुए चने पसंद है। चलें, यहाँ पे मैंने लिया है एक हैंडफुल, पूरा हाफ पंच है धनिया का, और मैंने क्वार्टर कप लिए है मिंट के लीफ जो मेरे पास ड्राई हैं, आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास फ्रेश नहीं है। दो हरी मिर्चें लिए और इसमें थोड़ा सा ही पानी डालेंगे कि जिसमें ये ग्राइंड हो जाए। आपने किसी भी बोल में आपने निकाल लें ये ग्रीन सॉस को। सो इसमें मैंने एक कप पानी डाला है। क्या हुआ कि मैंने एक कप पानी लिया और सारा ये जो ग्रीन निकाला था वो उसमें डाल दिया। थोड़ी देर सोक करेंगे इसमें। आपने लेना एक अदर बोल और इसको मैंने आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि इसके फ्लेवर सारे इसमें आ जाए। और इसमें अब डालेंगे सारा जूस। के ऊपर ही मैं एक कप पानी और डाल रही हूँ। अब इसमें जा रहा है 1 teaspoon काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, 1 teaspoon मेरे पास चाट मसाला है, 1/4 teaspoon मेरे पास जिंजर पाउडर वो है, 1 tablespoon आपके पास लेमन जाएगा। ज़बरदस्त बन गया बिल्कुल। तो अब इसमें क्या जाएगा फाइनल, जो इसकी रेसिपी जो उसके फ्लेवर आएगा वो आएगा ये जो हमने बना के रखा हुआ था जीरा पाउडर, ये 1 tablespoon इसमें जाएगा। जीरा पाउडर जो मैंने पीस के रखा हुआ था वो इसमें 1 teaspoon, जो हमने रेड चिली वाली पेपरिका की सॉस बनाई उसमें भी जाएगा 1 teaspoon। यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, उसमें डाल रही हूँ 1 cup पानी। उसमें जा रहा है पेपरिका पाउडर 2 tablespoon। साथ ही उसमें जा रहा है पिंच ऑफ सॉल्ट जो है काला नमक, रेगुलर सॉल्ट जा रहा है 1/2 teaspoon और लेमन 1 teaspoon। अच्छी तरह से मिक्स कर लें आप। इसमें डालूंगी बूंदी जो होती है बेसन की बनी हुई, आप घर पे भी बना सकते हैं, मैं इस वक्त बाजार वाली यूज करूँ। इसमें 1 tablespoon बूंदी डाल रही हूँ, आपने ज़्यादा नहीं डालनी वरना तो ये फूल के वो चाट बन जाएगी। इस टाइम पे आप अपना नमक चेक कर लेंगे, ये स्पाइसी नहीं होगा, ये सिर्फ कलर के लिए मैंने बनाई है, लेकिन लेमन के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। इसमें मैंने 1 teaspoon लेमन और डाला है क्योंकि वो कम लग रहा था मैंने टेस्ट में। जी चने को भी चेक कर लेते हैं, और चने हमारे बहुत अच्छी तरह गल गए हैं। चले जी, अब हम करने लगे हैं इसको संभल। तो यहाँ पे मेरे पास चने हैं जो मैंने बॉईल किए थे आपके साथ ही, गरम गरम चने हैं बिल्कुल। ये डाला आपने, इसमें डाला आपने चाट मसाला, और चाट मसाला नहीं है ये, सॉरी, वो भुना हुआ जो जीरा पीसा था वो है। इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, मिक्स कर लें अच्छी तरह। अब जा रहे हैं इसमें आलू जो मैंने चाट मसाले के साथ बना के रखे हुए थे वो गए। अब गया इसमें प्याज, और आप इसको कर लें मिक्स अच्छी तरह से। थोड़ा सा हरा धनिया, तो ये आपका चला गया यहाँ पे साइड पे। अब आपने ये चटनी ली जो मैंने बनाई हुई थी, अब आपने दूसरी चटनी ली जो कि खट्टी मीठी चटनी हमने बनाई थी वो ली आपने।
रेडी हो गई कर लें क्योंकि वो जो सारा इसका एक्सट्रैक्ट है नीचे बैठ गया होगा। और ये हमारा लास्ट वन, ये हो गया रेडी। गोल गप्पे की रेसिपी तो देखनी है जाके जो मैं बना चुकी हूँ, नेक्स्ट रेसिपी इसी की आएगी। आपने इसको ये लिया को तोड़ा और इतने आप जितना भरना चाहे भर लें इसको, और डेकोरेशन के लिए आप इस तरह दे दें, जिसको जो पसंद होगा वो उठा लेगा, पिकअप कर लेगा, जो भी आप पार्टी के लिए सर्व कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए सर्व कर रहे हैं। चलें टेस्ट टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे हैं, आप आ जाएं देखने के लिए। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।